देखो हमारा क्या चल रहा था, एम फेज चल रहे थे। एम फेज आपकी क्या कंप्लीट होती है, एम फेज में भी हमारे दो स्टेप हो जाते हैं, या तो माइटोसिस या मियोसिस। तो पहले माइटोसिस की चर्चा करेंगे आज। माइटोसिस क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक सेल है, सिंगल सेल, जो हमारी सोमैटिक बॉडी में है, सोमैटिक सेल्स है या वेजिटेटिव सेल्स है, जिसको हम कायिक कोशिका भी कह सकते हैं। कायिक कोशिका भी कह सकते हैं। ये हमारी मान लीजिए द्विगुणित है। ज्यादातर कायिक कोशिकाएं आपकी द्विगुणित होती है। जन्म की जो कोशिकाएं होती है वो आपकी अगुणित होती है। जैसे बोले तो युग्मक, गैमेट हमारा क्या होता है, अगुणित होता है हमेशा, जो जन्म के लिए तैयार हो बिल्कुल, जैसे अंडाणु या शुक्राणु, ये आपका अगुणित रहेगा हमेशा। अगुणित द्विगुणित का अंतर आप जानते हैं कि इसको 2n से करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। अगुणित और द्विगुणित, अगुणित मीन्स होता है हाइप्लॉइड कहलाता है अगुणित, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और द्विगुणित कहलाता है डिप्लॉइड, इसका मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब द्विगुणित की चर्चा करेंगे आप माइटोसिस में, इसमें से क्या रहता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इसका कि अगर एक कोशिका कोई अच्छी है हमारी, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो ये हमारी टू कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का बनना। लेकिन कर क्या रहा है, ये समसूत्री विभाजन, मतलब समसूत्री गुण सूत्र के जो नंबर होंगे वो समान होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगे समसूत्री विभाजन में, माइटोसिस में, लेकिन गुण सूत्र के नंबर आपके वही रहेंगे। ज्यादातर क्या होता है, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स, मेरे पिता के पास 5 उंगली थी, कायिक जनन हो रहा है तो मेरे पास भी 5 उंगलियां हैं। ये उंगलियां आपके जन्म के लिए तो है नहीं है, इनमें अनुवांशिक पदार्थ आपका समान रहेगा, नाम ही है आपका कायिक समसूत्री विभाजन। सिर्फ जन्म वाले में आपका अर्धसूत्री विभाजन ज्यादातर होता है, चाहे जंतुओं का जनन हो और चाहे पौधों का जनन हो। जैसे मैंने कहा था एक दिन कि जन्म का जो कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे एक क्वेश्चन कराया था हमने, गेहूं के 100 बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी,
125 बताए थे हमने, या कह दिया जाए अगर 100 लघु मात्र कोशिकाएं हैं एक पराग कोष में तो कितने नर युग्मक बनेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, 100 लघु मात्र कोशिकाएं हैं 100, उनमें से कितनी आपके पराग कोष में कितने नर युग्मक बनेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि अगर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही है समसूत्री विभाजन से तो आपका क्या रहेगा, ये आपका समसूत्री विभाजन। अब इसके स्टेप होते हैं, समसूत्री विभाजन को इसे चार भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट आपका क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाती है फर्स्ट अवस्था, प्रोफेज स्टेज होती है, इसको हिंदी में पूर्वावस्था कहते हैं। दूसरी आपकी क्या कहलाती है, मेटाफेज कहलाता है, इसको मध्यावस्था कहते हैं। तीसरी आपकी एनाफेज कहलाती है, एनाफेज को क्या कहते हैं, अंत्यावस्था की पश्चावस्था, पश्चावस्था कहते हैं। चौथा हमारा डीलू फेज आता है, ये हमारी अंत्यावस्था कहलाती है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण और गुण सूत्र समान रह जाए तभी इसका नाम है समसूत्री, सूत्र जैसी संरचनाएं होती है। अब कह दिया जाए कि गुण सूत्र कैसे बनता है, गुण सूत्र का निर्माण कैसे होता है, जानते हैं गुण सूत्र का निर्माण कैसे होता है। अब कब गुण सूत्र कह देते हैं, सभी जानते हैं कि कोशिका होती, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन किस स्थिति को हम गुण सूत्र कह देते हैं, किस स्थिति को हम डीएनए कह देते हैं वहीं पर। तो अगर यूकेरियोट कोशिका की चर्चा की जाती है, यूकेरियोट कोशिका को हम कह रहे हैं डीएनए होता है, डीएनए हमारा निगेटिव चार्ज लिए बैठा है, इसके साथ अगर एक हिस्टोन प्रोटीन होती है ये जुड़ जाती है, ये पूरा पैक मटेरियल हमारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन हमारी पॉजिटिव है। अब फिर ये कंडेंस होकर संघनित होकर एक क्रोमेटिन धागे का निर्माण करती है जिसे आप क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं, क्रोमेटिन धागे। अब बहुत सारे क्रोमेटिन धागे संघनित होकर फिर से बहुत सारे क्रोमेटिन धागे संघनित होकर आप क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम की संरचना बना लेते हैं, फिर से संघनित होकर या पैक होकर कंडेंस होकर आपके गुणसूत्र का निर्माण कर देते हैं। कोशिका के अंदर डीएनए होता है जिसे हम कह सकते हैं केंद्रक के अंदर। अगर पादप कोशिका की बात करेंगे तो केंद्रक हमारा थोड़ा बड़ी भी हो जाएगा, अगर जंतु कोशिका की बात करेंगे तो सेंटर में रहेगा, उसका भी रीजन है कि पादप कोशिका में 80% जो आपके रिक्तिकाएं होती है वो स्थान घेरे रहती है। अगर कोई आपसे कह दे कोशिका लगाओ और केंद्रक बनाओ, आप फटाफट ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, आप फिर उससे कह सकते हैं चंद्र कोशिका की पादप कोशिका, क्यों पूछ रहे हो, मेरे उसके रीजन है। अगर पादप कोशिका बनाते 80% स्थान आपका वैक्यूल्स रिक्तिकाएं घेरे रहती है, रिक्तिकाएं घेरे रहती है, रिक्तिका जिसे कह सकते हैं घेरे 80% और जो बाकी बचता है वो केंद्रक के पास होता है और लिक्विड से भरा होता है। अब आपसे कह दिया जाए कि ये जो काई कोशिका का रहता है विभाजन दो प्रकार के होते हैं, अगर केंद्रक के अंदर विभाजन चल रहा है तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, केंद्रक विभाजन होता है, कैरियोन मीन्स केंद्रक और काइनेसिस मीन्स विभाजन केंद्रक के अंदर। अगर कोशिका के बाहर चल रहा है मतलब
इसके अंदर रहेगा तो कैरियोकाइनेसिस, क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, केंद्र की विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन कहलाता है। जब केंद्रक विभाजन करे तो कैरियोकाइनेसिस, जब केंद्रक के बाहर का कोशा द्रव्य विभाजन करे, केंद्रक के बाहर का द्रव कोशा द्रव्य होता है, तो जब ये विभाजन कुल कोशिका करे तो आपका क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है, कोशिका विभाजन। यहां पे आपका पहले केंद्रक का विभाजन होगा, अब फिर बाद में आप क्या रहेंगे? कोशिका का विभाजन होगा। किन अवस्थाओं में पूरा होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में। अब होता कैसे है ये शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई इंटरफेज आया आपका, कोई कोशिका है। अब इस कोशिका में प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र आपके पेयर बना देते हैं, जोड़े बना देते हैं। ये कैसे जोड़े बनाएंगे? मान लीजिए कोई आपका एक ये क्या है आपका सेंट्रोमियर है, सूत्रों की संख्या समान रहना माइटोसिस कहलाता है।
कभी कभी इसको इंग्लिश में इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन। क्यों? रूट्स रूट के नंबर इक्वल है, इस वजह से इक्वल डिवीजन है। आपका
उसके बाद जो एना फेज अवस्था आती है, एना फेज में कोई सूचना के स्पिंडल फाइबर में चले जाते हैं। ये क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं, ये तंतु कहलाते हैं, जो आपके माइक्रोट्यूब्स और माइक्रोफिलामेंट से बने होते हैं, सेंट्रियोल्स से। और जब एना फेज के बाद आपका जो स्टेज आता है टेलोमेयर्स, पश्चावस्था कहलाती है। पश्चावस्था में क्या कर देते हैं, ये फिर आपके मिडिल से आपका ऊपर आपके गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और नीचे के गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अगर इनमें से कोशिका का विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बन जाएंगी। अगर कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है, कोई सोमेटिक बॉडी बन रही है, तो आपका क्या रहेगा, उसी के अंदर विभाजन चालू। जैसे मानव की कंडीशन देख लीजिए, निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, युग्मनज बनता है। युग्मनज अगर आपका ट्विंस नहीं बनना है, एक तरह से ट्विंस कह दिया जाए, जुड़वा बच्चे का निर्माण नहीं होना है, तो जब ये जाइगोट बनता है तो जाइगोट भी आगे चल के टू कोशिका में, टू सेल में बन जाता है, फिर ये फोर में, फिर ये एट में, फिर 16 में, फिर 32 में, इस तरह अंदर अंदर विभाजन चलता रहता है। पूरा सेल्स इंटरनली विभाजन होता रहता है। ये मतलब दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32 कोशिकाएं बनती रहती है। इस तरह करके पूरा का पूरा ये आपका माइटोसिस का जो विभाजन रहता है चलता है। थोड़ा इसमें लिख लीजिएगा माइटोसिस।
नलिकाओं को बनाता है जिन्हें एस्टर कहते हैं। Gracias.
मिडिल का पार्ट, इसी जगह आपका काइनेटोकोर भी लगा होता है। ये काइनेटोकोर का काम क्या है, क्यों बनता है, और गुणसूत्र बिंदु का काम क्या है, दोनों के काम अलग अलग है। गुणसूत्र बिंदु अर्ध गुणसूत्रों को जोड़े रहता है, ये जो आपके ये खंड है इनको एक दूसरे से जोड़े रहता है, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु जो सेंट्रोमियर है मिडिल का, सेंट्रोमियर वो इन दोनों को जोड़े रखता है। और काइनेटोकोर का काम क्या है, जब ये मध्य में पहुंच जाते हैं तो एक तो उनको जोड़ेंगे तो एक लेयर और बन जाती है उसी के बीच में, जो काइनेटोकोर कहती है। वो तर्क तंतु जो ये स्पिंडल का, ये तर्क तंतु से जुड़ जाता है। काइनेटोकोर जो आपका रहता है, देखिए मान लीजिए ये आपका संरचना बनाया, यहां पे आपका क्या बना दिया, सेंट्रोमियर बना दिया, ये सेंट्रोमियर बनता है, इसी के बाहर एक काइनेटोकोर लेयर बनती है जिसे क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ये क्या करता है, जब ये मेटाफेज में पहुंच जाते हैं गुणसूत्र तो एक तरह से उनका जाल जैसा अपने फंसा लेता है गुणसूत्रों को, ताकि ये फिर ना आपस में दबड़ जाए, पूरे गुणसूत्रों पे तर्क तत्व बना लेता है, स्पिंडल फाइबर बना लेता है, जो कि इनमें विभाजन हो चुका है, अभी बच्चे हो रहे हो रहे हैं। जो मेन मकसद कंप्लीट होता है वो टू फेज में ही हो जाता है, अगर सही, क्योंकि एक्सचेंजिंग जो भी होनी होती है वो पूरा प्रोग्रेस कंप्लीट कर देता है। अब तो मैच्योर होना है, सेल को अलग होना है इसमें से, तो ये काइनेटोकोर होती है। ये दोनों आपके अर्धगुण सूत्र कहलाते हैं, ये जो आपके इन्हीं को क्रोमेटिड भी कहते हैं या सिस्टर क्रोमेटिड भी बोलते हैं, अर्धगुण सूत्र इंग्लिश में कहते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं।
अलग हो जाता है। अभी सेंट्रोमियर अलग नहीं हुआ है, लेकिन ये अपना अपना काम चालू कर दिया है। इसने अपनी अपनी डोरी बनाना चालू कर दिया है, तर्क तंतु बनाना, ताकि अगली स्टेप में इनको खींच सके। अगली स्टेप में ये पोल की तरफ चले जाते हैं, ये बीच से अगली स्टेप में क्या हो जाते हैं, जैसे अभी क्या है, अभी ऐसे है, अगले स्टेप में क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे इस वाले में हो गए। जब अगले स्टेप में ये ऐसे हो गए तो फिर ये अपने लिए बना लेते हैं जो भी अपना मटेरियल रहता है। और जब ये सिंगम पोल की तरफ ऊपर की ओर और चले जाते हैं, ये नीचे की तरफ पूरे चले जाते हैं, ये ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, जैसे कोई कोशिका है तो अलग अलग होते चले गए। माइटोसिस बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टफ मियोसिस है। पहले प्रोफेज में पेयरिंग बनाते हैं, एक दूसरे के जोड़े बनाते हैं। सपोज दैट आप चार चार इतने बैठे हैं, जितने चार चार आठ दस बारह बैठे हैं, तो अब मान लीजिए चार लड़के चार लड़कियां बैठी है, सपोज दैट बारह पंद्रह बैठे हो, एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की, जोड़े बना लें, जोड़े बन गए। अब जोड़े बनने के बाद बीच बीच में धीरे धीरे रस्सियां बनने लगी, एक तरह से स्पिंडल फाइबर बन गए, पहले मिडिल में आ गए जोड़े सहित, फिर उनमें से रस्सियां बन गई,
एक एक रस्सी में एक एक जोड़ा खिसक रहा है, फंस जा रहा है ऐसे करके, एक एक रस्सी में एक एक जोड़ा आपका हो जा रहा है। तो आपके एक एक में जुड़ गए सभी, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब ये जुड़ जाते हैं, एक तरफ को अपनी तरफ खींच रहा है ध्रुव, और दूसरी तरफ वाला दूसरी तरफ का है, दो 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 की जोड़ी में एक ना फेज में खींच जाएंगे कैसे भी। मध्यावस्था में जो आ गए थे एना फेज में, एक तरफ को एक, एक तरफ को एक, तो सेंट्रोमियर से भाग से अलग हो गए। फिर वो जब तीनों फेज आता है तो पूर्णतया किनारे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल साइड में ध्रुव पोल की ओर यहां पे पहुंच जाते हैं, तो ये पहुंचे मतलब फिर मिक्सिंग हो गई, फिर हमारा केंद्रक बन जाएगा, फिर हमारी एक कोशिका बन जाएगी, फिर गॉल्जी बॉडी बन जाएगी, फिर हमारे दो कोशिकाएं बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। इसी समय अगर ट्रिक्स की कंडीशन आती है, मान लीजिए जुड़वा बच्चे की कंडीशन आती है, इसी समय जाइगोट हमारा विभाजित हो जाता है दो भागों में, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, एक होता है नॉन आइडेंटिकल, समरूपी जुड़वा असमरूपी जुड़वा। समरूपी जुड़वा में एक ही गुणसूत्र एक ही अंडाणु से निषेचित होता है, एक शुक्राणु एक अंडाणु से निषेचित होकर आपका जो जाइगोट बनता है युग्मनज वो विभाजित होता है दो में, इसी समय दो में विभाजित हो जाता है। अगर मान लीजिए जुड़वा बनने की कंडीशन नहीं है, वो जुड़वा क्यों बन जाते हैं, क्योंकि आपका साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो गया है, लेकिन बाहर की जो वॉल थी बन गई थी सेल की, वो भी डिवाइड हो गई, वो भी बाहर अंदर से बाहर से भी। अगर नहीं बनता है तो फिर इंटरनली दो से चार, दो चार से आठ, आठ से सोलह कोशिकाएं बनती रहती है धीरे धीरे, जिसे आप ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास कहते हैं, जो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन करता है, गैस्टुला मोरूला मोरूला का फॉर्मेशन करता है, मोरूला बनते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ, गुणसूत्र मिक्स रहे, प्रोफेज में पेयर बना लिए, ये मध्य में पहुंच गए थे, मध्य के बाद फिर ये अलग अलग हो गए, जैसे ये मध्य में पहुंच जाए मान लो, ये अलग हो गए बीच से सेंट्रोमियर, तो ये अपने भूल जाते हैं, फिर से अलग अलग होने के बाद फिर ये और पोल की ओर और नीचे, फिर ये कोशिकाएं विभाजित हो जाती है, कोशिका विभाजित दो कोशिकाएं बन जाती है एक तरह से, फिर ये डिवीजन कंटिन्यू डिवीजन चालू रहता है, प्रोसेस चालू रहता है, प्रोसेस रुकता नहीं है। कौन सा प्रोसेस? जीवन एस जी टू एम, इसी को तो कहते हैं कोशिका चक्र। हमारा ये जो चल रहा होता है एम, ये पूरा लगभग 95% टाइम ले लेता है, ये आपका 5% टाइम लेता है। एम फेज में ही आपकी माइटोसिस और मियोसिस होती है, कब कब आया कठिन है क्या भैया, देख लीजिए ये आया तो समझ में। अब इसमें क्या रहे, मान लीजिए कोई कोशिका इसमें 46 गुणसूत्र है, 46 जोड़े बना ले रही है, दो दो के जोड़े में हो जा रही है, ठीक है, जोड़े ही आपके मध्य में पहुंच जा रहे हैं, ये तो जोड़े बने थे कहां पहुंच गए, मध्य में पहुंच करके। अब ये जोड़े फिर बीच से खुल जा रहे हैं, कहां पे, यहां पे बीच से खुल गए, तो जोड़े बने थे आधे जोड़े ऊपर आधे नीचे, ठीक है, जब बीच से खुल गए तो फिर ये आधे के आधे ऊपर चले जाते, नीचे रह जाते, हो गए माइटोसिस, यही कहता है, और कुछ नहीं है।
के प्रारंभ में गुण सूत एक साथ अलग होने लगते हैं। ये जो मध्यावस्था में गुण सूत्र हमारे भेद होंगे, पश्चावस्था के प्रारंभ में देखिएगा, मध्यावस्था में मिडिल में आ गए थे, मध्यावस्था में मिडिल में आ गए थे, ये गुण सूत्र मध्यावस्था में मिडिल में थे, पश्चावस्था में ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आएगा। पहले वृक्ष थे, फिर जोड़े बनाए, फिर मध्य में पहुंच गए, फिर मध्य से अलग अलग अपनी अपनी तरफ जाने लगे, अब फिर एक कोशिका का निर्माण कर देते हैं, बस। समझ रहे हैं? मान लो जैसे 10 लोग हैं, पहले जोड़े में बन गए 10 पास के, फिर वो पांचों मिडिल में पहुंच गए, फिर वो अलग हो गए, फिर वो अलग अलग कोशिका बना लिया, आपका माइटोसिस हो जाता है, एक साथ अलग होने लगते हैं। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर जाता है, तो भुजाएं भी पीछे आती है, भुजाएं भी पीछे आती है। भैया ये क्या है, ये बीच में आ गए थे, मैं पश्चावस्था बता रहा हूं। मान लीजिए इसमें आपका ऐसे गुणसूत्र है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, तो एक तरह से ये सेंट्रोनियल फिर बन जाता है। अभी तक क्या थे, जुड़े थे, इसमें क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये जो सेंट्रोमियर है कहां की ओर भाग रहा है, पोल की ओर, क्योंकि एक खींचे बैठा है ये स्पिंडल फाइबर, कहां की ओर, पोल की ओर, पोल की ओर, मतलब ये आपका एक तरह से ऐसे बनता है, पोल की ओर खींच लेता है। तो जब ये पोल की ओर खींचेगा तो ये भी उसी तरफ को जाएंगे बाद में। मान लीजिए ये आपकी, ये देखो ये बना है ना, ये आपका बना है, तो ये भी इसी तरफ इसी में लग जाएंगे, फिर ये वाली ऐसे लग जाएंगी, नहीं लगेगी। पहले गुणसूत्र क्या है हमारा, ये जोड़े में बना था, मिक्सिंग में ऐसे था, फिर ये मिडिल में पहुंच गया है, फिर ये आपका अलग अलग हो गया है, फिर ये ऐसे घूम गया है एक एक में, तो जो आपके ऐसे हो गए एक तरह से ऐसे, एक ही आपका पेड़ ऐसे में हो गया, तो मिडिल में पहुंच गया सेंट्रोमियर, एक तरह से टिप पे टीलोसेंट्रिक हो गया। आपने पढ़ा होगा मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर के आधार पे गुणसूत्र का विभाजन नहीं आ रहा सर, आया ना। तो फिर उसके बाद क्या क्या दिखा रहा है, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु
विखंडित होते हैं और अर्ध गुरु सूत्र अलग होने लगते हैं और अर्ध गुरु सूत्र अलग होने लगते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। पहले हमारा ये सेंट्रोमियर ऊपर की ओर जाएगा जो गुणसूत्र बिंदु कहलाता है हिंदी में। ये जो मेन का पॉइंट है ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु, ये ऊपर की ओर जाएगा। जब ये खींचेगा तो ये भुजाएं भी जाएगी उसके साथ, तो कुछ ऐसी संरचना हो जाएगी। फिर सब एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों फेज हो जाएगा। तो फिर ये मिडिल, तो मिडिल से हमारा साइटोप्लाज्म विभाजित होने लगेगा तो दो कोशिकाएं बन गई। गुणसूत्र हमारे उतने ही है, चार इधर चार इधर, चार ही तो लिए थे हमने, चार दिए थे तो चार इधर रहे चार इधर रहे, गुणसूत्र उतने ही रहे आपका, कोशिकाएं दो बन गई। यही इसका इक्वेशनल और माइटोसिस समसूत्री विभाजन है। एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा और घर में, मैं और फिर रिवाइज करा दूंगा जो भी बचेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होता तो जरूर आ जाएगा समझ, मुझे लगता है। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि आपका गुणसूत्र भी पता चले क्या होता है, अर्धगुरु सूत्र भी क्या होती है आपकी, काइनेटोकोर भी बताया है मैंने कि सेंट्रोमियर का काम क्या है, काइनेटोकोर का काम क्या है। ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है, चाहे कभी पूछिएगा काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर का क्या काम है, क्या डिफरेंसेस है। काइनेटोकोर हमारे क्या होते हैं, तर्क तर्क जुड़ते हैं, और सेंट्रोमियर से अर्धगुरु सूत्र जुड़ा होता है। इन दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे।